हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेट 2004 क्वेश्चन ऑन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया टू लेवल एंड थ्री लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को ट्राई करना आपको मैंडेटरी है। मतलब अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे गेट, नेट, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों चीजें पैरेलली चलनी चाहिए, कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, वो तभी होगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो अगर आप जितने भी टॉपर्स जो हैं, अगर उनका आप इंटरव्यू देखें और इंटरव्यू उनका सुने, तो इंटरव्यू में वो हमेशा फोकस करते हैं दो ही चीजों पे कि कॉन्सेप्ट पढ़े और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। तो इस वीडियो में मैं गेट 2004 का क्वेश्चन लेके आया हूं। कंसीडर अ सिस्टम विद टू लेवल कैश, एक्सेस टाइम ऑफ L1 एंड L2 एंड मेन मेमोरी इज 1 नैनोसेकंड, 10 नैनोसेकंड एंड 500 नैनोसेकंड। मेरे को क्वेश्चन में यहां पे दो लेवल कैश दिया, मतलब दो लेवल है कैश के, लेवल 1, लेवल 2, और साथ में हमारे पास है मेन मेमोरी। अब हमारे पास दिया क्या है, हिट रेशियो ऑफ L1 एंड L2 आर 0.8 एंड 0.9। हिट रेशियो दी हुई है। व्हाट इज द एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ द सिस्टम इग्नोरिंग द सर्च टाइम विद इन द कैश। तो यहां पे हमने ऑलरेडी जो डिस्कस किया कि दो तरीके हैं, इंडिपेंडेंट एंड हेरेरिकल। तो इंडिपेंडेंट और हेरेरिकल में कौन सा मेथड यहां पे अप्लाई करना है, उसके बारे में कहीं ना कहीं आपको हिंट जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो सिस्टम इग्नोरिंग द सर्च टाइम विद इन द कैश। तो लेट्स से कि हमारे पास सीपीयू कनेक्टेड है L1 से, L2 से एंड मेन मेमोरी से पैरेलली, इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। या फिर दूसरा मेथड था कि सीपीयू कनेक्टेड है L1 से, L1 कनेक्टेड है L2 से, L2 कनेक्टेड है मेन मेमोरी से, या लेवल 3 हम लिख सकते हैं उसको, लेवल 3 यहां पे भी लिख सकते हो, यहां पे भी। तो बेसिक सा फंडा क्या है, या तो हम हेरेरिकल मेथड यूज करेंगे या इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि सर्च टाइम विद इन द कैश को आप इग्नोर करो। मतलब कि अगर आप लेट्स से L1 में सर्च कर रहे हो, L1 में आपने सर्च किया और अगर आपको वो नहीं मिला तो आप फिर किस पे जाओगे, L2 पे जाओगे। तो L2 में जब आप जाओगे तो ऑब्वियसली आपने पहले L1 में सर्च किया, तब आपको पता लगा कि L2 में वो डेटा नहीं है। तो ये कह रहा है कि सर्च टाइम जो आप कर रहे हो ये L1 में या L2 में, इसको आप इग्नोर करो। मतलब कुल मिला के आपको ये वाला मेथड यूज करना है। वो मेथड कौन सा है जिसमें इंडिपेंडेंटली ये कनेक्टेड है, मतलब पैरेलली आप तीनों में इकट्ठा सर्च कर रहे हो। इस मेथड को अगर हम यूज करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एवरेज एक्सेस टाइम कैसे निकालोगे, हिट वन मतलब L1 के अंदर हिट रेशो, L1 के अंदर मेरे पास हिट रेशो कितनी है, H1। तो हमें H1 को यूज करना है, और L1 का एक्सेस टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया हुआ है 1 नैनोसेकंड। तो फॉर्मूला अगर लिखे तो वो क्या बना, H1T1 प्लस 1 माइनस H1। 1 माइनस H1 मतलब कि मेरे को L1 में अगर नहीं मिलता तो मैं L2 में ढूंढूंगा, L2 में मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है, H2 हिट रेशियो है, और जो टाइम है वो लेना आपको T2, मतलब T1 प्लस T2 नहीं लेना, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो कैश के अंदर ढूंढने का टाइम आपको इग्नोर करना है। मतलब अगर आपको एक मेमोरी में नहीं मिलता, L1 में नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, आप L2 में ढूंढो, लेकिन L1 में जो आपने सर्च किया ना उस टाइम को कंसीडर मत करो। तो सिंपल सा फंडा है, हम पैरेलली एक्सेस कर रहे हैं L1 को, L2 को और मेन मेमोरी को। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनेगा, H1T1 प्लस 1 माइनस H1, मतलब इसमें नहीं मिला तो H2, दूसरे में मिल गया T2, प्लस अगर मेरे को पहले में भी नहीं मिला और मेरे को दूसरे में भी नहीं मिला तो ऑब्वियसली मैं किस पे जाऊंगा, तीसरे पे जाऊंगा, और तीसरा क्या है, मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी का सर्च टाइम यहां पे यूज करना है। तो बस वैल्यूज को यहां पे भर दो। H1 क्या है, हिट रेशो कितनी है, 0.8, तो 0.8 इंटू 1, 1 नैनोसेकंड है L1 का एक्सेस टाइम। 1 माइनस H1, 1 माइनस H1 करोगे तो क्या बन गया, 0.2 इंटू H2, व्हाट इज द हिट रेशो, 0.9 इंटू T2, व्हाट इज द टाइम, 10, प्लस 1 माइनस H1 दैट विल बी 0.2, 1 माइनस H2, 1 माइनस 0.9 0.1 इंटू T3, व्हाट इज द एक्सेस टाइम, T3 मतलब थर्ड मेमोरी, थर्ड मेमोरी कौन सी, मेन मेमोरी, तो 500। सिंपल, बस इसको सॉल्व कर लो तो 0.8 प्लस ये आ जाएगा 1.8 प्लस ये आपको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 10। तो ओवरऑल आंसर आपका आ जाएगा 12.8
6 नैनोसेकंड, मतलब सी ऑप्शन जो है आपका बनेगा। तो ये बेसिक सा फंडा है कि कैसे हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, या तो इंडिपेंडेंट मेथड को यूज करना है या फिर आपको हायरार्किकल मेथड यूज करना है। और एक और चीज याद रखना कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं मेंशन, तो आप पहले किसको प्रायोरिटी दो, इस वाले मेथड को प्रायोरिटी दो इंडिपेंडेंट को, क्योंकि इसमें टाइम जो है वो जनरली कम आता है एज कंपेयर टू इसमें, क्योंकि इसमें हमने T1 plus T2 करना होता है और इसी में हमने T1 plus T2 plus T3, तो obviously कहीं ना कहीं इस केस में टाइम थोड़ा ज्यादा आता है। तो by default आप ये वाला मेथड लगाओ और इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो फिर आप वर्स्ट केस में अगर कुछ भी नहीं मेंशन, फिर आप दूसरा मेथड लगा के आंसर जो है वो निकाल के मैच कर सकते हो। तो ये बेसिक सा फंडा है कि हम कैसे इन मेथड इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करते हैं। थैंक यू।